हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्कूल प्रोफाइल एसएपी की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है। बेसिकली ये जो फाइल है ये डीएलएड सेकेंड ईयर के छात्रों को बनाने के लिए दी जाती है। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पे डीएलएड से संबंधित सभी फाइलें उपलब्ध हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा था कि नेबरहुड सर्वे की फ़ाइल कैसे बनाई जाती है, तो आज हम देखेंगे स्कूल प्रोफाइल। तो इस फाइल को बनाने के लिए सबसे पहली हेडिंग होगी हमारी स्कूल प्रोफाइल का अर्थ। इसमें स्कूल प्रोफाइल क्या होती है, इसकी मीनिंग के बारे में हम लिखेंगे। इसके बाद स्कूल प्रोफाइल की परिभाषा को लिखेंगे। इसके बैक साइड वाले पेज पे जिस स्कूल की आप प्रोफाइल बना रहे हो उसका चित्र आप लगा सकते हो। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी विद्यालय की विशेषताएं। जो भी आपका स्कूल है, जहां पर भी आप टीचिंग के लिए जा रहे हो, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम इस फाइल में लिखेंगे। इसके बाद स्कूल की इम्पोर्टेंस क्या है इसके बारे में भी हम लिखेंगे। ये हमारी अगली हेडिंग होगी। तो स्कूल की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या थी उसका चित्र भी आप लगा सकते हैं। आप कोई मैगजीन उठा सकते हैं, उसमें से चित्र कटिंग करके लगा सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है विद्यालय का प्रबंध। इसमें हम विद्यालय का जो मैनेजमेंट है उसके बारे में हम बताएंगे कि वो कैसा है, अच्छा है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है शिक्षण स्टाफ। इसमें हम अपने स्कूल के शिक्षण स्टाफ मतलब टीचिंग स्टाफ के बारे में बताएंगे, उनकी डिटेल्स भी इस फाइल में इंक्लूड होती है। तो हम स्कूल मैनेजमेंट और शिक्षण स्टाफ से संबंधित चित्र भी अपनी फाइल में लगा सकते हैं। ये है स्कूल के टीचिंग स्टाफ और उनके विषय से संबंधित जानकारी। आप अपने स्कूल के टीचिंग स्टाफ और क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उस बारे में लिखेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है कक्षा कक्ष या क्लासरूम। इसमें हम कक्षा कक्ष के बारे में बताएंगे कि स्कूल का कक्षा कक्ष कैसा था। यहाँ पर हमने कक्षा कक्ष से संबंधित एक चित्र लगाया हुआ है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है पुस्तकालय। इसमें हम लाइब्रेरी के बारे में बताएंगे, स्कूल का लाइब्रेरी कैसा था, उसमें क्या क्या चीज़ें थीं, टीचर्स थे या नहीं थे, मतलब जो टीचर्स थे वो बच्चों के हेल्पफुल थे या नहीं थे, तो उस बारे में हम इस फाइल में लिखेंगे। इसके बाद स्कूल में जो चिकित्सक कक्ष था वो था या नहीं था, उसमें किन किन सुविधाओं किन किन चीज़ों की सुविधाएँ थी, बच्चों के लिए बेसिक जो चीज़ें होती हैं चोट लगने पे वो फर्स्ट एड बॉक्स या किट था या नहीं था, इस बारे में हम इस फाइल में लिखेंगे। इसके बाद हम स्कूल लाइब्रेरी से संबंधित एक चित्र अपनी फाइल में लगा देंगे। और मेडिकल रूम जो जिसके बारे में हमने बात की अभी, उसकी भी एक चित्र लगाएंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है विज्ञान प्रयोगशाला या साइंस लैब। इसमें हम साइंस लैब के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि स्कूल का साइंस लैब कैसा था। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है खेल व्यवस्था। इसमें हम स्कूल की खेल व्यवस्था कैसी थी, प्लेग्राउंड कैसा था, बच्चों के लिए जो खेल उपकरण है वो थे या नहीं थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम स्कूल प्रोफाइल में लिखेंगे। इसके बैक साइड वाले पेज पे साइंस लैब की एक इमेज लगा सकते हैं हम, जिससे हमारी फाइल काफ़ी अच्छी लगती है।
और प्ले ग्राउंड का भी आप एक चित्र लगा सकते हैं। ये सभी चित्र नेट से लगाए गए हैं, नेट से। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मिड डे मील। इसमें हम स्कूल में जो बच्चों के लिए मिड डे मील मिलता है खाना, उसका विवरण भी हम लिखेंगे। जैसे इसमें दिया गया है सोमवार को छोले चावल आते हैं, मंगलवार को आलू पूड़ी वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में भी लिखेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है स्कूल की वर्दी। इसमें हम स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में भी लिखेंगे कि स्कूल का यूनिफॉर्म कैसा था, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार को कौन सी यूनिफॉर्म पहनी जाती थी और डेज़ कैसे यूनिफॉर्म पहनी जाती थी, तो इस बारे में भी हम लिखेंगे। इसके बैक साइड वाले पेज पे मिड डे मील से संबंधित एक चित्र लगा देंगे और यूनिफॉर्म जो बच्चों की थी उससे संबंधित चित्र लगा देंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है स्वयं का अनुभव। इसमें आप जिस स्कूल में टीचिंग के लिए गए हो उसका जो आपने स्वयं अनुभव किया है जो वहाँ पर, उस बारे में भी इस प्रोफाइल में, स्कूल प्रोफाइल में लिखेंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है स्वच्छता की व्यवस्था। स्कूल में स्वच्छता की व्यवस्था कैसी थी, डस्टबिन थे या नहीं थे, क्लासरूम साफ थी या नहीं थे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है विद्यालय की संरचना। इसमें विद्यालय के जो संरचना थी, मतलब बिल्डिंग की कैसी थी, उसके बारे में भी हम लिखेंगे। इसके बाद हमारी लास्ट हेडिंग है निष्कर्ष। इसमें हम स्कूल प्रोफाइल से संबंधित जो भी चीज़ें हमने देखी, अवलोकन किया, उसके बारे में हम निष्कर्ष में लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारी फाइल ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।